नमस्कार दोस्तों आज मैं मेरे इस YouTube चैनल ओल फार्मिंग आइडियाज़ के जरिए आप सभी मित्रों को लौकी को कुदरती खाद की मदद से यानी कि ऑर्गेनिकली कैसे उगाते हैं यह बताने जा रहा हूँ तो आप मेरे इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हमें इसके प्लांट तैयार करेंगे और प्लांट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी ऑर्गेनिक मटीरियल वाली मिट्टी को अपने बागीचे में से लेंगे यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने मेरे गार्डन में से अच्छी वाली मिट्टी को खोद के रखा है अब हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं इस प्रक्रिया के लिए हमें कप्स चाहिए अगर आपको पौधे उगाने के लिए कप्स नहीं मिल रहे हैं तो आप बाज़ार से पानी पीने के लिए यूज़ होने वाले डिस्पोजेबल ग्लास खरीद लें आप इन गिलासों में पौधे को तैयार कर सकते हैं इससे आपका खर्च भी कम आएगा अब हमें इस मिट्टी को मैं यहाँ बता रहा हूँ उस तरह तोड़ लेना है यह काम हमें हमारे हाथों से ही करेंगे मिट्टी में अगर कंकर पत्थर हो तो हमें निकाल देने हैं और मिट्टी को बारीक कर लेना अब इस बारीक मिट्टी को हमें इन गिलासों में भर लेना है हमें इन गिलास को पूरे नहीं भरने हैं हमें इसमें ऊपर की थोड़ी जगह तकरीबन दो सेंटीमीटर जितनी जगह को छोड़ देना है अब हमें इनमें बीजों को बोना है मैं इनमें मेरे पिछले सीजन के बचाए हुए ही बीजों का उपयोग करने वाला हूं और अगर आपको लौकी के बीजों को अगले सीजन के लिए कैसे बचाते हैं यह जानना हो तो आप मेरा इस टॉपिक पे बनाया वीडियो देख सकते हैं हमें इन ग्लास में बीज को मध्य भाग में खड़ा रख के डाल देना है और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल देनी है ऐसा हम यहाँ चारों गिलास में करेंगे एक एक करके चारों गिलास में बीजों को डालेंगे अब बीजों को बो देने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे हमें इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है मिट्टी को पूरा तरह से भिगो देना है और इन गिलास को ऐसी जगह रखना है जहाँ अच्छी सी धूप आती हो और हमें इनमें हर दो से तीन दिन में पानी देना है और अगर धूप ज़्यादा हो और टेम्परेचर बत्तीस से चौंतीस डिग्री हो तो हमें हर रोज़ पानी देना है आपको एक हफ्ते में इन बीजों में से पौधे के अंकुर नजर आएंगे अब हम इन पौधों को तब तक पानी देते रहना है जब तक यह हमारे बागीचे या खेत में लगाने की साइज़ के नहीं हो जाते जब हमारे यह पौधे हमारे गार्डन में लगाने के लायक हो जाए तब हमें इसको बागीचे में लगाने हैं हमें जब भी बागीचे में लगाने हैं उसके दो या तीन दिन पहले हमें इनमें पानी नहीं देना है इससे क्या होगा कि जो पौधा है उसके आसपास की मिट्टी थोड़ी मजबूत हो जाए जब हमारे यह पौधे हमारे गार्डन में लगाने के लायक हो जाए तब हमें इसको बागीचे में लगाने हैं अब हम इन पौधों में से अच्छे वाले पौधे चुन लेते हैं और उनको अपने बागीचे में प्लांट कर देते हैं इन पौधों को प्लांट करने के लिए हमें जहाँ भी इनको प्लांट करना हो उस जगह पे इन गिलास से दुगना गहरा या डेढ़ गुना गहरा गड्ढा खोद लेना है उसके बाद हमें इन गिलास को तेज चाकू या कटर की मदद से काट लेना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पौधे की जड़ों के आसपास की मिट्टी बिखर न जाए यहां हमने इन गिलास को काट लिया है और आप यहां इस पौधे की जड़ों को देख सकते हैं बस हमें इस पौधे को इस तरह से गड्ढे में लगा देना है और उसके आसपास की मिट्टी को दबा देना है उसके आसपास पानी को बहते रोकने के लिए गोलाकार पाली बना लेना है और फिर उस पौधे को हमें पानी देना है इसके बाद हमें इस पौधे को चढ़ाने के लिए सहारा देना होगा तो इसके लिए हमें नायलोन की अच्छी सी मज़बूत डोरी को इस तरह से पौधे से बांध के उसका दूसरा छोर हमें इस बेल को जहाँ चढ़ाना हो वहाँ पे जाके बांध लेना है अगर हम इस प्रक्रिया को अपने खेत में प्रोफेशनल तरीके से बोना चाहते हैं तो हमें दो पौधों के बीच में कम से कम 10 फीट का अंतर रखना होगा और इन पौधों को सहारा देने के लिए हमें पतली नाइलोन की डोरिया और गेलवे नाइस तार का इस्तेमाल करना है हमें इसकी बेलों को कम से कम 8 से 10 फीट तक ऊंचा चढ़ाना है यहाँ हमारा लौकी को उगाने का ट्यूटोरियल पूरा होता है यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और नए वीडियोस के लिए आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं